नवी मुहर्रम को मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू जुलूस निकालने पर पाबंदी, भारतीय फौज का जुलूस पर धावा, आजादारों पर लाठीचार्ज, खवातीन और बच्चों पर भी तशद्दुद, आंसू गैस के शेल फेंके, कश्मीरियों का एहतजाज, भारत के खिलाफ नारे। कराची, हैदराबाद, जैकबाबाद, शिकारपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, खारियां, गुजरात, भक्कर, लाला मूसा समेत कई शहरों में मोबाइल फोन खामोश। कराची में डबल सवारी पर पाबंदी, तफ्तान में पाक ईरान सरहद पर 0.2 रोज के लिए बंद। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय हमनसब को जवाबी खत, नरेंद्र मोदी को दोबारा मुज़ाकरात की दावत, कश्मीर, सियाचिन और सर क्रीक समेत तमाम मसाइल हल करने की पेशकश, कहा हमें आइंदा नस्लों को अमन और खुशहाली देना होगी, पाकिस्तान दहशतगर्दी के मामले पर भी यकीनी तौर पर बात करने को तैयार है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में लगी लड़ाइयों की आग को मुफाहमत के जरिए बुझाना चाहता है, हर तनाज़े का सियासी हल होता है, फौजी ऑपरेशन पर यकीन नहीं रखता, यमन के मसले के खात्मे के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ, सऊदी अरब पर किसी को हमला नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। इमरान खान सऊदी अरब और दुबई के दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। अमेरिका का पाकिस्तान के 300 मिलियन डॉलर के सिक्योरिटी फंड्स की बहाली पर गौर, ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहती है, अमेरिकी मीडिया का दावा। अमरीकी रिपोर्ट में दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कोशिशों की तारीफ, अमरीकी महकमे खारजा की रिपोर्ट में कहा गया पाक फौज के ऑपरेशन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो गई। सजाए मौतली के बाद मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की घर वापसी, कारकुनों की तरफ से शानदार इस्तकबाल, लैब का रिहाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और रिटायर्ड कैप्टन सफदर की रिहाई पर चार सदा में नून लीगी जिलाई सदर हुमायूं शाह काकाखेल की हवाई फायरिंग, इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मजार को आज गुसल दिया जाएगा, वजीर आला पंजाब और दीगर मजार को गुसल देंगे, फूलों की चादरें भी चढ़ाई जाएंगी। और पाक वतन में हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आखिरी रोज, मुल्क भर से जायरीन की हाजिरी, आज नमाज मगरिब के बाद बहश्ती दरवाजा खुलेगा।